will be proceeding ahead. This will be current assets over current liabilities is equal to this. Current liabilities are being given 1 lakh. मैं एक स्टेप छोड़ दूंगी, 1 लाख यहाँ पे पुट करूंगी, 1 लाख का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो करंट एसेट्स मेरे पास 2.5 लाख आ जाएंगे. ठीक है जी, तो अभी तक कंफर्म हो गया, करंट एसेट्स आर 2,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख. हमसे क्या पूछा है? इट पेड क्रेडिटर को 25,000 की पेमेंट करी. एंट्री माइंड में रखो, क्रेडिटर्स टू कैश किया, क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब है करंट लायबिलिटी कम हो गई, कैश क्रेडिट होने का मतलब है करंट एसेट कम हो गए. अभी आपको सिखाया जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से कम होती हैं तो रेशियो बढ़ेगी हर हालत में, और कितनी आएगी वी विल टेल हिम. सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, यहाँ पे लिखना, फिर सब्जेक्टिव नहीं आने पर फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, आफ्टर द पेमेंट करंट एसेट्स विल बी, कितने की पेमेंट करी है, 25 की, 2 25 रह गए, इसमें से 25 माइनस किया तो करंट एसेट्स कितने रह गए, 225. What about my current liabilities? 1 लाख में से 25,000 माइनस किया तो करंट लाइबिलिटीज रह गई मेरी 75,000, राइट? अब निकालिए नई रेशियो. नाउ करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट दैट विल बी 225 डिवाइडेड बाय 75. सो इट कम्स टू मी 3:1. अर्लियर इट वॉज 2.5:1. नाउ इट हैज इंक्रीज, इट इंक्रीज टू 3:1. एनी डाउट टू एनीवन? अगला पढ़ो, रीड नेक्स्ट एवरीवन. थर्टींथ करते हैं, लेट्स रीड 13th. सो इन 13th इलस्ट्रेशन ही हिमसेल्फ इज गिविंग मी करंट एसेट 6 लाख, करंट लायबिलिटीज आर 4 लाख, और कहता है तभी इन दोनों को मिला के मेरी रेशियो ये बनी थी 1.5:1. मैं चेक भी कर लूं तो 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1.5:1 ही बनना. कहता है एट प्रेजेंट हमारी ये रेशियो है. हुआ क्या? आपको एक कहानी बना के दी उसने. द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग बिकॉज इट इज लेस देन आवर रूल ऑफ थंब. फर्म चाहती है कि हमारी रेशियो क्या होनी चाहिए, 2:1. मींस फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. मैंने आपको सिखाया हुआ है रेशियो को बढ़ाने का मतलब या तो करंट एसेट बढ़ा लो या करंट लायबिलिटीज कम कर दो. तो कहता फर्म ने क्या सोचा, फर्म के अकाउंटेंट ने उसे सलाह दी कि हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करके इसे 2:1 पे लेके आना चाहते हैं. आपसे पूछा कितनी करंट लायबिलिटीज पे की जाए कि रेशियो 2:1 हो जाए. आई विल बी अज्यूमिंग लेट्स पे रुपीज एक्स. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. जब मैं एक्स की पेमेंट करूंगी तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, करंट लायबिलिटी की जब पेमेंट होगी और करंट लायबिलिटी की पेमेंट को मैं रुपीज एक्स मान रही हूं. सो व्हाट विल बी माय एंट्री, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. Means ये भी तो कम होगा ना फिर. सो आफ्टर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी माई करंट एसेट्स विल बी 6 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू, यस वी विल बी मेंटेनिंग इट लाइक दिस. पेमेंट करने के बाद मेरी रेशियो 2:1 आएगी. उसने बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बना 6 लाख माइनस एक्स, ये बना 8 लाख माइनस एक्स, ये इधर ले आएंगे माइनस 2 लाख बनेगा, ये माइनस क्या होगा, ओके दिस इज 2x ना, दिस इज माइनस 2x प्लस एक्स, तो 2 लाख आ गई ना, माइनस माइनस कट भी जाना ग्रेटर अमाउंट के साथ. ठीक है, सो 2 लाख अगर हम पेमेंट कर दें तो वेरीफाई भी करके बताओ, जब 2 लाख पेमेंट करी तो ये 4 लाख बन गया, ये 2 लाख बन गया, रेशियो अपने आप 2:1 हो गई. सो अगेन मैथमेटिकल इक्वेशन वी मेक. ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे बनाया करते थे वैसे हमने इक्वेशन बनाई और मिसिंग वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया. एनी डाउट टू एनीवन? आगे चलते हैं. यू कैन अज्यूम इट वाई, यू कैन अज्यूम इट एम, एन, कुछ भी. 14th पे आइए, कम एट 14th इलस्ट्रेशन एवरीवन. Come at 14th illustration.
पढ़ो 14th illustration. देखो कुछ नया है उसमें. फर्म के पास करंट एसेट्स हैं एट प्रेजेंट 3 लाख. कहता 60,000 की करंट लाइबिलिटीज मैंने पे करी, जब मैंने पेमेंट कर दी तो रेशियो ये हो गई. आपसे क्या पूछा है? करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल पता करो आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वॉज मेड. करंट लाइबिलिटीज इज क्वेश्चन मार्क, वर्किंग कैपिटल इज क्वेश्चन मार्क, पेमेंट से पहले पेमेंट के बाद. और करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हुई है 60,000, ठीक है. और एट प्रेजेंट इसको छोड़ देते अभी क्योंकि मेरे को बिफोर भी चाहिए, ठीक है. बिफोर पहले यूज करते हैं. व्हाट ही इज गिविंग, ही इज गिविंग बिफोर पेमेंट 2:1 है इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी. सो करंट एसेट ही हिमसेल्फ इज गिविंग 2CL इज इक्वल टू 30,000, ठीक है. दिस इज 3 लाख. तो करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट 1.5 लाख, ठीक है. देखो जरा चेक करो. ओके, हमने पेमेंट भी करी. मैंने क्या किया अभी? पेमेंट से पहले निकाल रही हूं भाई, डोंट कंफ्यूज मी. दिस इज बिफोर पेमेंट क्योंकि उसने बिफोर और आफ्टर दोनों पूछे हैं. आई एम मेकिंग इट बिफोर पेमेंट. यू करंट एसेट ये बिफोर पेमेंट ही दिए. चलो पहले मेरे को सॉल्व करने दो, फिर आंसर चेक करते हैं. बिफोर पेमेंट करंट एसेट्स दे रखे हैं इसमें. ये तो आफ्टर पेमेंट कर रहा है ना, मेरे को बिफोर पेमेंट भी चाहिए. एक मिनट, बिफोर पेमेंट देखो पहले. दिस इज 2CL इज इक्वल टू करंट एसेट बिफोर पेमेंट, क्योंकि बिफोर पेमेंट उसने मेरे से वर्किंग कैपिटल पूछी है. तो पहले मैं बिफोर पेमेंट तो निकाल के बताऊं ना उसे. तो क्या बनेगा? CL इज इक्वल टू 1,50,000. बिफोर पेमेंट आपकी करंट लायबिलिटीज 1,50,000 है. वॉज ओके, आफ्टर पेमेंट द करंट रेशियो वॉज दिस. ओके, मेरे को लगता है पहले आफ्टर पेमेंट निकालेंगे और फिर बिफोर पेमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है. ठीक, रेशियो ही इज गिविंग मी आफ्टर पेमेंट. जो रेशियो इसको मेरे को यूज करना है ना, दिस रेशियो ही इज गिविंग आफ्टर पेमेंट. पढ़ो लाइन दोबारा, ठीक है. जब आफ्टर पेमेंट है तो पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स 2,40 के रह गए. करंट लाइबिलिटी कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है? नहीं. तो करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी ही रहने देते हैं, -60,000 कर देते हैं. चलो पुट करवाओ जरा. ये बन गया 2,40 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी -60,000. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ. 2CL -120 इज इक्वल टू 240. 2CL इधर ही रहेगा, ये उधर जाके ऐड हो गया 360. तो CL देखो 180 है. CL दे रखा है 180. CL means करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, ठीक है. हाँ देखो क्या बिफोर पेमेंट है, ये बिफोर पेमेंट आफ्टर पेमेंट है. बुक में दोनों सेम ही है. आफ्टर पेमेंट कितना फिर? ओके, CL की वैल्यू आई. CL की ये सिर्फ CL की वैल्यू है, ये सिर्फ हाँ सिंपल CL की वैल्यू है, ठीक है. दिस इज व्हाट CL, अकेला CL. अब CL आपके पास है 180, CA आपके पास है 3 लाख. वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल सकते आप. वर्किंग कैपिटल कितनी होगी दोनों का डिफरेंस? देखो कितना डिफरेंस है, 1,20,000. वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट निकाली है, 120 है, ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल, दिस इज ओनली CL भाई, इट्स नॉट बिफोर और आफ्टर, इसमें है नहीं. CL का मतलब ये क्या है? बिफोर ही है. जब इसमें से पेमेंट माइनस करूंगी 60,000 तो 1,20 रह जाएगी. दिस इज बिफोर बिकॉज इट इज ओनली CL आई कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन. सो दिस CL इज बिफोर पेमेंट. ये CL बिफोर पेमेंट है. यहाँ पे कहीं मैंने डिफरेंशिएट किया आफ्टर पेमेंट तो दिस इज CL -60,000 है ना. सिंपल सी बात है, अकेला CL का मतलब क्या है? बिफोर पेमेंट है. जब CL में से 60,000 माइनस करूंगी तब ये बनेगी ना आफ्टर पेमेंट. और आप नहीं ऐसे समझ आती तो लेट अस अज्यूम CL बिफोर पेमेंट इज इक्वल टू x.
इसको x मान लो, तो भी x की वैल्यू बिफोर पेमेंट ही आ गई। CL अगर मैं नहीं लिखती तो x लिख लो ना, लेट अस अज्यूम करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट इज इक्वल टू x, देन पुट इट हियर x, यहां पे भी x पुट करो, यहां पे भी x पुट करो, तो x की वैल्यू आएगी। सो x वी आर गेटिंग 1,80,000, दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट इज 120। अब एक ट्रिक देखना, आपने पेमेंट करी 60,000, यहां से कम हुआ, 60,000 यहां से कम हुआ, लायबिलिटीज रह गई 120, एसेट रह गई 240, तो भी वर्किंग कैपिटल 120 होगी, आफ्टर पेमेंट भी 120। क्यों? क्योंकि जितने से करंट एसेट कम हुए उतने से करंट लायबिलिटी भी कम हुई, तो डिफरेंस सेम ही रहना है। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट इज 180। अगर ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैं एक्स से करवा देती हूँ। लेट अस अज्यूम कर, हाँ दोबारा बोलो, छोड़ देते हैं इसको। लेट अस अज्यूम करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट इज इक्वल टू एक्स, आफ्टर पेमेंट इट विल बी एक्स माइनस 60,000। ठीक है जी, क्लियर है? जो रेशियो दे रखी है वो 2:1 है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, आफ्टर पेमेंट है, आफ्टर पेमेंट है तो ये भी कम करना है, ये भी कम करना है, ये ऑलरेडी 3,00,000 है, 3,00,000 में से 60 माइनस किया 2,40, आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी को मैंने एक्स माइनस 60,000 माना आपके सामने है। बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी एक्स है, आफ्टर पेमेंट एक्स माइनस 60,000 है, दिस इज 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही तो पहुंचे, वही पे ही तो पहुंचे हैं जो पहले की है, 240 एड हो जाएगा 360, एक्स की वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करेंगे 180, वही पे तो पहुंचे। ऐसे कर लो, मैंने करंट लायबिलिटी को सीएल ही रहने दिया। आपको अगर ये वाला ज्यादा समझ आता है और यू आर एबल टू रिटेन, तो गो विद दिस, दिस इज रुपीज एक्स, दिस इज रुपीज एक्स माइनस रुपीज 60,000। ठीक है अनुभा? सो एनी वे यू कैन सॉल्व इट, वहां पे है कि आपका माइंड किस किस तरफ चलता है, हाउ यू अप्लाई योर माइंड। ठीक है, वहां पे सोल्यूशन तो रहने नहीं है, एमसीक्यूज की ऑप्शन रहनी है, हाउ यू कैलकुलेट इट दैट डिपेंड्स, किस तरह से आप अपने माइंड को अप्लाई करते हो, और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो यू विल बी एबल टू अप्लाई, राइट? एनी डाउट, शुड आई प्रोसीड? हाँ जी बोलो। नहीं, अकेला एक्स भी फोर पेमेंट है बेटे, एक्स में से जो निकलेगा उसमें से 60 माइनस करो तो आफ्टर पेमेंट 120 है, क्योंकि बिफोर पेमेंट 180 है। मैंने यही कॉन्सेप्ट पहले इसको अकेला सीएल बोला, ठीक है ना, राइट? चलें आगे, चलिए जी, यस, अगले वाले क्वेश्चंस में ही विल बी गिविंग यू सर्टेन अजम्पशंस, ही विल बी गिविंग यू द आंसर ऑफ करंट रेशियो, देन ही विल बी गिविंग यू सर्टेन एंट्रीज मतलब ट्रांजेक्शन, एंड ही विल बी आस्किंग यू, यू टेल whether the following transaction will increase the ratio or decrease the ratio or will not affect the ratio. I always suggest my students, whenever the question comes of increase, decrease or remaining same, just pass the journal entries. Mind mein journal entry pass karo, phir journal entry ka dono debit aur credit dekho, phir dekho kya current asset badh rahe hain ki kam ho rahe hain uske karan, ya current liabilities badh rahi hain ki kam ho rahi hain, ya current asset sirf change ho rahe hain, liability mein koi farak nahi pad raha, ya liabilities change ho rahi hain, current asset mein koi farak nahi pad raha, you have to. Aur every time in your journal entries, what we were stressing upon double effect. Har entry ka aapne double effect zarur dekhna, theek hai? To main entry ke saath, usne kahin pe journal entry nahi kari. I will be solving each and every point with discussion. And I will be telling you the journal entry, then I will be telling you the effect. Chale, 8 ya 10 point banaye about increase or decrease. Let's see. Formula clear hai? Formula apply karenge, increase or decrease dekhenge. Numerator badh raha hai ya kam ho raha hai? Ya denominator badh raha hai ya kam ho raha hai? Ya dono hi same reh rahe hain? Let's see. Very good questions these are and very interesting as well. He says, according to me, at present current ratio is 2:1. आप बताओ, will it increase or decrease or will remain same due to the following transactions? Repayment of current liability, entry होगी current liability to cash. अब नहीं सुनो सुनो, पहले तो इसको assume कर लो, मैंने verify करके बताना है हर point को. I will be assuming कि at present current asset 2,00,000 है और current liability 1,00,000, ठीक है? फिर मैं कुछ राउंड ऑफ अमाउंट लूंगी ताकि मेरे को कैंसिल करने में भी ज्यादा बॉदरेशन आए. आई विल बी अज्यूमिंग, क्योंकि अमाउंट वो खुद नहीं दे रहा,
आई विल बी अज्यूमिंग 5000 पे 50000 पेमेंट करी, क्योंकि मैंने इजी रखना है ना सिस्टम को। तो 50000 की पेमेंट करी, करंट एसेट भी कम हो गया। अब करंट एसेट कितना रह गया? 1.5 लाख। करंट लाइबिलिटी कितना रह गया? 50000। रेशियो इज इंक्रीजिंग ना। और एक रूल बताया है, एट प्रेजेंट इफ इट इज 2:1, अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो रेशियो बढ़ती है। अगर वो रूल माइंड में रखोगे ना करो सॉल्व, फिर वो बोल दो। पर अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान एक और बात सुनो, वो वाला रूल क्या इस केस में अप्लाई होगा? फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट करंट रेशियो इज 1:1। इफ एट प्रेजेंट करंट रेशियो इज 1:1, विल इट इफेक्ट दिस ट्रांजेक्शन, इफेक्ट माई रेशियो? फिर से वही है, एट प्रेजेंट योर करंट रेशियो इज 1:1 इंस्टेड ऑफ 2:1 एंड यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ योर करंट लाइबिलिटी, विल इट बी इफेक्टेड? नो, बिकॉज यहाँ पे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। अब ये भी 50 हो जाना, ये भी 50 हो जाना, फिर से सेम रहनी है। वो वाला फंडा कब लगना है मैथ्स का? व्हेन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? व्हेन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इज इट इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में क्या होगा? ये लाइक है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, 1:1 ये कौन सा है जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, यूनिट फ्रैक्शन होगी, है ना, क्योंकि 1 आंसर आ। यूनिट फ्रैक्शन के केस में इट विल रिमेन अनइफेक्टेड, माइंड इट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बच्चों को वो पढ़ना याद था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो इसलिए रेशियो बढ़ जाएगी? नो, पहले ये देखो तो, तभी मैं कहती हूँ जस्ट अज्यूम द फिगर्स। अगर बच्चों ने मेरा वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखा होता कि ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, तो 50,000 से ये कम हुआ, 50,000 से ये कम हुआ, 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 फिर से 1:1 ही रहा, नो चेंज। फर्क है कि हाउ ही सप्लाई द डाटा टू यू and the way you apply your mind to solve it. First point is clear. Every time I always suggest assume the things. वो amount नहीं देता, हम amount assume करेंगे और फिर solve करेंगे, 100% guarantee है सही conclusion निकालोगे आप। ठीक है, second पढ़ो। So सारे points में I will be assuming current assets are 2 lakh and current liabilities are 1 lakh. ये मेरी assumption चलती रहेगी, तभी ये 2:1 है। आप 4 लाख और 2 लाख भी मान सकते हो, आप 20,000 और 10,000 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी, एनी असम्पशन यू कैन मेक। आगे चलते हैं, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, एंट्री बनी परचेसेस टू कैश, स्टॉक बढ़ा कैश कम हुआ, बता, स्टॉक बढ़ा कैश कम हुआ, मान लो इट इज ऑफ 20,000, क्या फर्क? एक मिनट, लेट हिम थिंक, मैंने लास्ट पीरियड में बताया हुआ, गुड्स परचेस, यस, नो इफेक्ट, स्टॉक बढ़ा एड कर दो, कैश कम भी तो हुआ उतना ही माइनस कर दो, दीज आर अनइफेक्टेड, नो चेंज। देखो आंसर नो चेंज ही होगा, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, रट्टा नहीं ना लगा सकते, तो ऑलवेज पास द जर्नल एंट्री, सी इट्स इफेक्ट, इट विल टेक अ मिनट ओनली अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है। ठीक है, आगे चलो, यस, अगला भी अच्छा पॉइंट है, पुराना फर्नीचर बेचा, इक्विपमेंट बेचा, 20,000 में बेचा, बुक वैल्यू 25 थी, कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, याद है लॉस है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट। जब पुराने एसेट बेचते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब कितने में बिका? 20 में, 5,000 लॉस था, 25,000 का इक्विपमेंट इफेक्ट, कैश आया, न्यूमिरेटर बढ़ा, लॉस कहीं पे नहीं आता, ना करंट एसेट में आता है, ना करंट लाइबिलिटी में आता है, ऑफिस इक्विपमेंट भी मेरा नॉन करंट एसेट है, ये भी कहीं नहीं आता, न्यूमिरेटर बढ़ा, सीधा कह दो न्यूमिरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो इंप्रूव ही होनी। ठीक है, वेरीफाई कर लो, इसे मान लो 20,000, तो अब क्या होगी रेशियो? 2:20 ऊपर, 1 लाख नीचे, 2:2:1 इंप्रूव्ड। एनी डाउट? मान लो इसी पॉइंट को अगला, वैसे बनाया भी यही होगा, आई एम सेलिंग इट एट प्रॉफिट, यस, तो भी इंक्रीज ही होनी है क्योंकि कैश ही बढ़ना है ना, प्रॉफिट ने असर डालना है ना, ऑफिस इक्विपमेंट ने असर डालना है, तो भी सेम ही रहना, मतलब इंप्रूव भी रहना है। कैन यू चेक इट नाउ? हो जाएगी चेकिंग, फोर्थ का, फोर्थ नहीं मेरे को लगता, अच्छा बनाया नहीं उसने प्रॉफिट वाला। परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंट्री होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू सीएल या क्रेडिटर्स, बोलो क्या फर्क पड़ेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू सीएल, हाँ समय सोचो, स्टॉक भी बढ़ गया
और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अगर सेम अमाउंट से एसेट मतलब न्यूमिरेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर भी बढ़ता है तो रेशियो डिक्रीज होती है, ये रूल है, आप वेरीफाई भी कर सकते, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ऐसा ही होता है, हैज इट बीन द यूनिट फ्रैक्शन तो नो चेंज, ठीक है। तो सारे फंडास आपने माइंड में रखने हैं, आगे चलो, हर पॉइंट वेरीफाई करेंगे। 30,000 का सामान 25,000 में बेचा, सारांश आपने एंट्री बोलनी है। 25,000 का सामान 30,000 में बेचा, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 सोल्ड फॉर 30,000, जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को बस। दिस व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एनीबॉडी वेरी लाइक इसमें चेंज, एंट्री में चेंज? एनी चेंज? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सेल ऑफ गुड्स का प्रॉफिट कभी भी जर्नल एंट्री में शो नहीं होता, सेल ऑफ गुड्स है, इट्स नॉट सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। एंट्री सीधा आनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल विद 30,000। किसने सिखाया आपको और कब सिखाया कि जब गुड्स सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट दिखाते हैं जर्नल एंट्री में? आई नेवर डिस्कस्ड इट विद यू। पुराने एसेट बेचे उसका प्रॉफिट और लॉस जरूर दिखाते हैं, ये तो सेल ऑफ गुड्स है, एंड में आके पी एंड एल अकाउंट में अपने आप प्रॉफिट निकल जाएगा, मेरे को क्या लेना देना। सेल ऑफ गुड्स प्रॉफिट इज नेवर टू बी शोन इन द जर्नल एंट्री, सेल्स की एंट्री हमेशा सेलिंग प्राइस से करनी है, बस। अब बोलो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, इफेक्ट आपने बताना है, और 30 बोला ना उसने, अब की बार उसने अमाउंट दे रखी है, चलो अभिषेक की इफेक्ट बताओ। एट प्रेजेंट माई करंट एसेट्स आर 2 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज आर 1 लाख, अभिषेक विल टेल द चेंज, किस पे क्या फर्क पड़ा, कैश का आना क्या है, करंट एसेट बढ़ा, दूसरा इफेक्ट बताओ, सेल का इफेक्ट बताओ। अभिषेक बुला रहे आपको, मूव आउट, मैं बताती हूँ, कैश विल बी इंक्रीज विद 30,000 एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज विद 25,000, क्योंकि स्टॉक कॉस्ट पे गया, सोच लो, सेल तो इनकम है, ये तो बाद में देखेंगे, स्टॉक देखो, तभी तो उसने कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे रखा है। स्टॉक इज माई करंट एसेट मीन्स इन्वेंट्री इज माई करंट एसेट, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई एम स्टेटिंग, आर यू गेटिंग? स्टॉक 25,000 से क्या करो, 25,000 से स्टॉक क्या करो, कम करो, 30,000 से अपना कैश बढ़ाओ, ओवरऑल 5,000 से आपका न्यूमिरेटर बढ़ा, तो फिर से रेशियो क्या होगी, इंप्रूव ही होगी, बिकॉज दिस टाइम इट विल बी 2.05:1, देखो इंप्रूव लिखा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, चलें, ठीक है, ये क्लियर है, आगे चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट के बारे में कुछ सुनो पहले, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रूल है, पहले डिविडेंड प्रपोज होता है, प्रपोज मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पहले डिविडेंड का प्रपोजल रखा जाता है, उस प्रपोजल के ऊपर सबकी सहमति होती है, फिर डिविडेंड की पेमेंट होती है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, हाउ द डिविडेंड इज अनाउंस टू द शेयर होल्डर्स, फॉर दैट वी डिसाइड कि इस साल हम कितनी परसेंटेज देंगे, फॉर दैट दे कंडक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, दे पुट द प्रपोजल कि इस साल हमने 15% डिविडेंड देना है, उस प्रपोजल की सहमति में थोड़े से दिन लग जाते हैं, और जब वो प्रपोजल अभी फॉरवर्ड किया होता है तब तक और पे नहीं किया होता तब तक उस डिविडेंड को प्रपोज्ड डिविडेंड कहते हैं। आफ्टर प्रपोजिंग दिस डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ, आई थिंक आगे किसी क्वेश्चन में आएगा, अभी एक महीने के बीच बीच इसे पे कर देना होता, कोई भी ऐसी पेमेंट जो एक महीने के बीच बीच पे हो जाए वो करंट लाइबिलिटी है। मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी समझाना था, तो उसने क्या बोला, डिविडेंड की पेमेंट हुई, मतलब कौन से डिविडेंड की पेमेंट हुई होगी, जो पहले प्रपोज हुआ होगा, ठीक है। तो क्या है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश हुआ होगा, मैंने बोला प्रपोज डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी था, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी कम हुई, एसेट भी कम हुआ, रेशियो इंप्रूव होगी, देखो इंप्रूव है, रिड्यूस है, पढ़ो दोबारा, डन,
What is the meaning of proposed dividend? What is the meaning of proposed dividend? What is the meaning of proposed dividend? The proposal for which we have put forward in our board of directors meeting. It will take time to distribute it among the shareholders. Usually it takes a month. मैं भी टिक भी करवा देती हूँ कहीं पे लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में कि एक महीने के बीच बीच पे करना होता है. Any liability which is to be paid within a period of a month is named as current liability. नहीं समझाना. पहले क्यों नहीं सुना? पहले तो उसको दिखाता रहा बुक. हाँ बता. मैं आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि कहाँ पे है proposed dividend के बारे में. चलो ठीक. डिविडेंड का मतलब सबको पता है, कंपनी अनाउंसेस अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर. ठीक है, डिविडेंड ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके हम लोग अनाउंस कर देंगे. इसके लिए सबकी सहमति होनी जरूरी है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रपोजल पास किया जाता है. स्पेशल रेजोल्यूशन रादर रखा जाता है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वहां पे प्रपोजल रखा जाता है कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं. सबकी और मेजोरिटी की सहमति होगी तो उतना डिविडेंड अनाउंस कर दिया जाए. ठीक है, तो जिस दिन आपने प्रपोजल रखा उस दिन से लेके आने वाले एक महीने के बीच बीच उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर वो प्रपोजल पास हो जाता. ठीक है, तो जब तक आपने प्रपोजल रखा और अब आप पेमेंट कर रहे हो उसके बीच में, ये हमारा लॉ कहता है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ वन मंथ ओनली व्हेन यू प्रपोज एंड व्हेन यू पे. इट मींस कि जब वो पेमेंट कर रहा है तो एक महीने के बाद ही कर रहा होगा. कंपनी ने एक महीने के बाद डिविडेंड की पेमेंट करी होगी. तो जो प्रपोज डिविडेंड था अगर वो एक महीने के बाद पे हो रहा है, मींस वो करंट लायबिलिटी था. ठीक है, प्रपोजल के इमीडिएटली वन मंथ के बीच बीच उसकी पेमेंट हो रही है, मींस वो करंट लायबिलिटी रहा होगा. तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है, साथ में करंट एसेट भी कम हो रहा है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो. न्यूमिरेटर भी सेम अमाउंट है, डिनोमिनेटर भी सेम अमाउंट है, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो रेशियो विल इंप्रूव. उसने भी यही लिखा ना, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. व्हाट इज द करंट लायबिलिटी इन दिस केस? व्हाट इज द करंट लायबिलिटी इन दिस केस? प्रपोज डिविडेंड. What is the current asset in this case? Cash. Done? Clear? चलो जी आगे चलते हैं. बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी. We will continue 16th. और 16th आपने मेरे को जर्नल एंट्रीज बोलनी है. आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन करूंगी, नहीं तो नहीं. ठीक है, दो मिनट नहीं रहते, 7 मिनट रहते हैं. कोई बात नहीं, हम 2 पॉइंट कर लेंगे. 2 मिनट में 2 पॉइंट कर लेंगे और उसके बाद भी 2 पॉइंट और करेंगे एक्स्ट्रा टाइम. 2:1, फिर से assumption 2 लाख. कितना इंटरेस्टिंग है, फिर से assumption यही 2 लाख और 1 लाख, राइट? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. इस 3 वर्ड से आप क्या समझते? आपके लिए टर्म नहीं है. आपने बिजनेस स्टडी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा थ्योरी में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? डिबेंचर, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, मैम ने करवाया नहीं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस? बिल्कुल ठीक है, मैच्योरिटी. डिबेंचर्स की मैच्योरिटी आई, हम लोगों ने उन्हें पेमेंट कर दी. डिबेंचर इज माई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और अ करंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. अब ध्यान से सुनना, undoubtedly debenture is my, मैं उसी हिसाब से करवाऊंगी. फिर बुक ने जो किया ना मैं वो भी बताऊंगी. debentures are undoubtedly non current liability और हमेशा मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि इसे non current liability ही मानना चाहिए. ठीक है, बुक ने जो लिखा है मैं बताती हूँ, वो हर साल की डिस्कशन रहती है हमारी. I assume मैं बताती हूँ ना. आई एस्यूम 1 लाख के डिबेंचर थे, 1 लाख की पेमेंट हो गई, एंट्री बनी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश. और आमतौर पे हम चेक देते हैं या डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, तो बैंक हो गया. बैंक इज माई करंट एसेट. करंट एसेट कम हो रहा है, ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी है. सिर्फ करंट एसेट कम हो रहा है तो रेशियो मेरे हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. जब मैं अपना कंपनी सेक्ट 2013 पढ़ती हूँ तो वहां पर एक टर्म आती है करंट. ध्यान से पहले टर्म सुनना, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. एल मीन्स लॉन्ग, टी मीन्स टर्म, डी मीन्स डेट. करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. आपके बुक वाले ने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, आगे जाके वो मेरी तरह ही करेगा. आगे जाके कभी भी ऐसा आएगा ना पॉइंट, उसने मेरी तरह ही इसका आंसर डिक्रीजिंग ही निकालना. लेकिन यहाँ पे वो आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है.
कई बार क्या होता है, कंपनीज ने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख के डिवेंचर इश्यू कर और कंपनी ने बोला इसमें से जो 2 लाख के डिवेंचर है ना मैंने 1 साल के बीच में ही रिडीम कर देने और बाकी जो 8 लाख के डिवेंचर है मैंने 5 सालों के बाद रिडीम कर देने। Nobody will move, everybody will listen. I am repeating the sentence. Company ने 10 लाख के डिवेंचर इशू करे, कंपनी ने बोला इस 10 लाख में से 2 लाख के डिवेंचर मेरे 1 साल में रिडीम हो जाएंगे, बाकी जो 8 लाख के डिवेंचर है मैंने 5 सालों के बाद रिडीम करने। जो 1 साल के बीच में रिडीम होंगे उन्हें बोलेंगे करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। है तो लॉन्ग टर्म डेट लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं 1 साल के बीच में रिडीम कर रही हूँ, इसलिए उसे बोलते हैं करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सो व्हाट ही अज्यूम, ही अज्यूम्ड द होल पार्ट ऑफ डिवेंचर्स एज करंट लायबिलिटी। Yes, this I wanted to tell you. It means आपने लिख के आना है, we assumed the debentures as non-current liability. फिर examiner की intelligence है यहाँ पे, he will write here the debentures are current maturities of long term debt. लिखेगा, कभी भी doubtful question नहीं आएगा, ठीक है? So current maturities of long term debt we are going to read in our chapter number 1 in detail also. लेकिन यहाँ पे मेरे को कंसेप्ट समझाना था तो मैंने बता दिया।